परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी और निवाजी सतगुरु जी दा खास रूप गुरु खालसा साहिब सिंह जी। अज जेठ दी संक्रांत दा दिहाड़ा है। अज 14 मई जेठ दी संक्रांत वाला दिन, जेठ दी संक्रांत दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं जिथे नगर दी संगत ने हाजरी भरी उथे डेरा निवासी संगतां भी दूरों चल के गुरु चरणां विच नतमस्तक होईआं हन। गुरु कृपा करे महाराज सब दियां हाजरियां बेनतियां प्रवान करन, नाम सिमरन गुरसिखी जीवन दियां दातां बख्शिश करन। अज जेठ दा महीना है, जेठ दे महीने द्वारा सतगुरु जी उपदेश करदे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे 134 अंग ते पौड़ी है 12वां बाणी माझ राग दी 4थी पौड़ी है। सच्चे पातशाह उपदेश करदे ने हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है, जिस अगै सब निवान। हर कहिए परमात्मा दुनिया बनाउण वाला, दुनिया साजन वाला, जीव जंतु सब कुछ जो दिस रहा, साडी रचना करन वाला, साडे शरीरां नूं बनाउण वाला काल पुरख वाहिगुरु हर। जेठ ये महीना है, महीने द्वारा जुड़न दा ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे है तो ही परमात्मा है ना। पहले अर्थ उनके अगे सारे ही झुकते। हर जेठ, जेठ वड्डे नूं कहिंदे ने साध सिंघ जी, जेठ वड्डे नूं कहिंदे ने ते सच्चे पातशाह कहिंदे ने हर जेठ ऐसा हर ही वड्डा परमात्मा है जुड़ंदा। हुण ऐसे परमात्मा नाल वड्डे नाल जोड़ सब ते वड्डा सतगुर नानक। जेठ जेठ वड्डे नूं वी कहिंदे ने। देखो एक लाणीदार हुंदा है वड्डा घर दा मुखी, सारे उहदी मन्नदे ने, सारे उहने की निभदे ने। एक इह वी उदाहरण है जेठ वड्डे नूं कहिंदे ने। पहला माइयां नूं पता है बीबियां जेठ दे अगे उंज भी नहीं जांदे, पल्ला जा कर लैंदे हुंदे, इन्ना सत्कार हुंदा। इस करके जेठ वड्डे दा भी नां है। हर जेठ जुड़न दा लोड़ी, जेठ वैराग दा भी नां है। हर कहिए रब जेठ वैराग, तीबर वैराग, सिरे दा वैराग, इन्ना प्यार गुरु नाल जुड़न दा, ओ जुड़ जांदा है, लोड़ी है। सो साध संगत जी लोड़ी कहिंदे चाहुंदा है हर जेठ दे महीने दे विच सानू कहिंदे नाल जुड़ना चाहिए, अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नाल, बाणी नाल, सिमर नाल, जिस अगे सब निवाने। ये भी एक प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भावें इंडिया च प्रकाश है, भावें किसी स्टेट च है, भावें फॉरन कंट्री है, भावें अरब कंट्रीज है, बहुत कंट्रियां ने साध संगत, भावें अफगानिए ने, भावें अंग्रेज ने, जिथे भी महाराज, अफगानिस्तान च भी गुरुद्वारा साध संगत जी, अफगानिस्तान अफगानी है उत्थे भी महाराज अगे झुकदे ने, अरब कंट्री है उत्थे भी महाराज का गुरु घर बने, दुबई विच वेख लो उह शेख रहिंदे ने, उह भी मनदे ने महाराज, दुबई वर्गा गुरद्वारा ही नहीं, भावें यूएसए भी होवे
इन्ना सोहना गुरुद्वारा बनाया सत्संग। इस करके कोई कंट्री होवे उत्थे महाराज दा प्रकाश है गुरु ग्रंथ साहिब। वेखो इत्थे भी सारी दुनिया झुकदी है, उत्थे भी सारी, जिस अगे सब निवन। अगली पंक्ति है, हर सज्जन दावण लगे किसे नंदे ही बन। दावण कहिंदे पल्ले नाल लग जाना, गुरु घर दा, गुरु चरणा दा, बाणी दा, सिमरन दा पल्ला पाना। जेड़े गुरु चरणा नाल जुड़ गए, बाणी दा, सिमरन दा पल्ला फड़ लिया, जिन्हां ने गुरु दामन मतलब गुरु ने अपने चरणा नाल जोड़ लिया, जिन्हां नूं किसे ना देई बन। गुरु फिर बन के किसे होर नूं नहीं अगे तोर देंदा। एक घर की खासियत है, जेड़ा इहदी शरण विच पै गया ना उंदी इलाज रखदा है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे बिरध स्वामी संदा। जेड़ा इहदी शरण आउंदा उहनूं गल नाल ला लैंदा है, भावें कोई किड्डा मर्जी होवे सत्संग दी, बकारी होवे पापी होवे उहनूं वी बख्श देंदा है। ऐसा बख्शनहार सतगुरु वी है। मौके दीआं सरकारां होण ते उह विरोध करदीआं होण ते दुनिया च थां ना मिले ते महाराज दे चरणां च पै जाण, महाराज परवाह ही नहीं करदे। अपने वर्गे ते हुंदे ना कहिंदे ओ तेरी सरकार नाल नहीं बनदी सानू वी मराएंगा तू, आपां डरपोक आ। सच नाल खड़ जाइए ना फिर नहीं परवाह नहीं कीती जांदी। असीं उहदे सिख हाँ गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे। आ पौंटा साहिब दा जंग तुसीं सुणिआ, इह पौंटा साहिब दे जंग वास्ते 500 ऐसे सिपाही सी जिहड़े औरंगजेब बादशाह ने कढ दित्ते सी, ते वी ऐलान कर दित्ता सी जिहड़ा इहनां नूं रखेगा सज़ा दा हकदार होएगा। ते कोई उन्हां नूं रखदा ही नहीं सी, कोई राजा नहीं रखदा सी, कोई सूबेदार नहीं रखदा सी, कोई हाकम नहीं रखदा सी, कोई भी नहीं रखदा सी सत्संग जी। ओह भुखे मरन लगे, हुण कोई कमाउणगे कम करनगे तां बच्चे खाणगे। जाणिया पीर बुद्धू शाह बड़ा दरवेश, बड़ा नेक दिल इंसान है, बड़ा चंगा है, उंदी शरण विच हाजिर हो जाए। कृपा कर सानू कोई हिला साडा कर। कहिंदे दुनिया च इक्को ही है जिहड़ा किसे दी परवाह नहीं करदा, गुरु कलगीधर पातशाह महाराज, शाही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, किसे दी परवाह नहीं करदा। वो जे नहीं परवाह करदा तां ही तां तुहानू सरदारियां दवातियां ने, नहीं तां उह तां कहिंदे सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पिता नूं, तुसीं गत्ता गद्दी बैठो राज माणो, असीं भी तुहानूं गुरु पूजांगे, तुहानूं की लोड़ पई इहनां नूं। सानूं लताड़िया जांदा अज्ज असीं कहिंदे सरदार जी मैं इन्नी सेवा करन वाला, सरदार जी सुनो माड़ा जा, कोई स्कूले नहीं पढ़न दिंदा सी, कोई चौंके नहीं चाड़दा सी, डंगर चराउंदे सी, इह बुरी हालत सी। जिन्नियां श्रेणियां ने कौम खत्री ते ब्राह्मण नूं छड्ड के सारिआं नूं इन्ना बद सलूक कीता जांदा सी, ते दसवें पातशाह कहिंदे इन्हीं को सरदार बनाऊं, इन्हां नूं सरदार बनाउणा है। देखो सानू सानी छाती ना लाया ते सरदार बन, अपने पुत्र वार दिते, अपने घर दे 27 मैंबर वार दिते, पर सानू सरदार। हर सज्जन दामन लगे डिग्गिया पिया नू शरण पिया नू गल ना लाया। वो 500 रख ले मारने नाले डबल तनखा। वेखो उत्थे जे 1 रुपया मिलता है औरंगजेब बादशाह मर कहिंदे 2, जिहड़े सरदार ने फौजां दे जे उत्थे 2 मिलदा तुहानूं 5 रुपये देवांगे। इह उह घर है सत्संग जी। ते जदों पर उह बेवफाई दा सबूत दित्ता उहनां ने, जदों जिद्दन पौंटा साहिब दा जंग होणा सी, पंघाणी दा युद्ध, उद्दन रात नूं भज गए सी। ऐसे किरत कण निकले, पर सच्चे पातशाह ने अपने धर्म की पालना कीती। हर सज्जन दावण लगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा दादा गुरु हरगोबिंद, उन्हां दी शरण विच इक चिट्टा बाज आया, चिट्टा उह शाहजहां दा बाज सी। उह महाराज दे दरबार विच डिग गया आण के,
महाराज ने शरण आया दी जान के उन्हें लाज रखी, वो चिट्टा बाज मार ने रख लिया। बाद चो फौजा चढ़ा के आंदे रहे ने हजारा नाल जंग करन वास्ते, भी बाज दे दो। मार कहिंदे साडी शरण डिगा है, इन्हे पुकार कीती है शरण वास्ते, शरण ग्रहण करन वास्ते। ते शरण आया दी लाज रखना ये साडा फर्ज है। आ जिहड़ा हुण यूएसए जा रहे ना डोंकी द्वारा जो उस तरह ये जो केस चलता है ना, यही कहिंदे ने भी सानू पनाह दिती जावे, सानू थां दिती जावे, साडा दुनिया च कोई टिकाणा नहीं। सच है, रियल सानू खतरा है सारे पासों, सानू पनाह दो, सानू बचाओ। वेखो वो कंट्री भी सत्संग जी मनदी है, धर्म का एक गुण किड्डा वड्डा, शरण आया दी लाज रखनी। वैसे इन्दे वास्ते भी सरदार सिमरजीत सिंह मान ने बड़ा वड्डा, आपां नूं पता ही नहीं गा, साडे बच्चे पक्के हो जाण, बस इन्ना कु सौखा। इन्दे चीज ते कांटा वज गया सी, जिहड़े बच्चे बाहर जांदे। सरदार सिमरजीत सिंह मान ने बाहर जाके यूएसए केस लड़िया है, भी वाकई असीं प्रूफ देने, विद प्रूफ साडे बच्चों नूं खतरा, इन्हां नूं पक्का कीता जाए। हाँ, बयाना च फर्क पै जाए फिर औखा है, इको ही बयान होने दे भी हाँ मैनू खतरा, मैनू पनाह दिती जावे, फिर सत्संग जी पनाह मिलती। अज भी उन्होंने लखां हजारां नूं मिलती पई है। ये धर्म का सूल है, गुण है, शरण आ जाना, उनकी लाज रखनी। गुरु कलगी धर पातशाह महाराज ने ऐसे अनेक ही प्रमाण। देवीदास कौन सी? भीम चंद वजीर, जड़ा मंत्री, वड्याई दसवें पातशाह की गल है। अखा जे छुरियां मारियां ते दसवें पातशाह ने अपने चरणा ते लै ली, उन्हें शरण अख्तियार की। जड़ा भाई नंद लाल है तो उन्होंने कोल ही रहिंदा सी, पर शरण दसवें पातशाह की अख्तियार की। शरण आया दी लाज, एक प्रमाण नहीं, पता नहीं किन्ने कु गुरु घर विच प्रमाण ने। हर सज्जन दामन लग्या किसे न देई बन, किसे होर अगे नहीं तोर दिंदे, भी लखां दी फौज चढ़ के आई है, जा भी तू अपना काम कर। सरकार दा पुत्तर होवे ते सरकार ने ऐलान कर दिता वे जिहड़ा इहनूं पनाह देगा, गुरु घर दा दोषी होएगा। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे आउण दो 33 तवियां वाला हुण दिन आउणा है। एक गुरु नानक दा घर है, इत्थे कोई रोक टोक नहीं, गरीब दी सहायता कीती जांदी, लोड़वंद दी मदद कीती जांदी है, हेल्प कीती जांदी है। इत्थे एक घर किसे तो डरदा नहीं है, परवाह नहीं रखदा। वेखो सरकार दा पुत्र खुसरो ते गुरु अर्जन देव महाराज जी रहण वास्ते थां भी देंदे ने, प्रशादा भी देंदे ने, 5000 रुपया भी देंदे ने हेल्प वास्ते। महाराज ने जो बुलाया सी कह लेंगे कुछ किया, महाराज कहिंदे किया, सानू परवाह नहीं, ये गुरु नानक दे घर दा मिशन है, इत्थे कोई आ जाए भुखा आ जाए उन्हूं प्रशादा मिलदा। तेरा पुत्र होएगा बादशाह दा, पर लोड़वंद सी, सानू तेरे हुक्म की परवाह नहीं। ये तां गुरु नानक देव महाराज दा बचन है, जिहड़ा भी आवे जो दर आवे आस कर, जिहड़ा भी आस करके आउंदा, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, जो दर आवे सो राजी जावे, इहो घर है गुरु नानक दा। किन्ने को प्रमाण देईए गुरु इतिहास दे, देखो महाराज जिहड़े जिहड़े भी महाराज दी शरण विच आए उहनां दी लाज रखी गई। ये दूजी पंक्ति है इस महीने की। हर सज्जन दावण लग्या किसे न देई बन, अगे नहीं तोर देंदे। अज आपां जुड़ गए ना गुरु चरणां नाल, सच्चे पातशाह थोड़ा भी इहनूं सिख नूं आवागुण दे चक्करां च जाण देणगे। चरणां नाल, चरण शरणां नाल जुड़ियां दी लाज रखदा है गुरु। ताई तां कहिंदे ने सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नामर सोभा चिंता लाए मार। अगली पंक्ति इस महीने दी, माणक मोती नाम प्रभु नूं लगे ना ही सन। माणक मोती जिहड़ा नाम है परमात्मा दा, माणक मोती तना उन लगे ना ही सन।
हजे सोने नू सन लग जांदी साध संगी वट्टा लग जांदा है कीमत घट जांदी है कई ऐसे चीजां जिन्हां नू सन लग जांदी हुण माणक मोती नू सन नहीं लगदी वट्टा नहीं लगदा परमात्मा का नाम ऐसा है जिन्हू वट्टा नहीं लगता सत्संग दूजे अर्थे दे ने परमात्मा का नाम ऐसा माणक मोती है जिन्हू कोई चुरा नहीं सकता वाहेगुरु वाहेगुरु जपया किसी ने सतना वाहेगुरु आ सेवा चल रही है गुरु नानक दे घर दी वड्डिया भागा वाले सेवा करते ने भागा वाले सेवा करया करो दूर तक आवाज जा रही है जिनी संगत आ जा रही है एक घंटे की कोई वड्डी गल नहीं है सत तो नौ सेवा है आ सेवा जिहड़ी है कोई साडा रिश्तेदार बच्चे कोई साग संबंधी खो नहीं सकते तुहाडी जमीन जायदाद वंडा सकते ने धन पदार्थ पर तुहाडी इह सेवा नहीं लै सकते आ तुहाडे तुहानू ही फल मिलेगा आ जिन्ने धन पदार्थ मिले ना जमीन जायदादा इह सेवा विच्चों ही मिले ने पिछे सेवा कीती है मिली ने सेवा सिमरन कीता है हुण करांगे इस नालों भी डबल मिलणगे रब भी वेंदा है इस करके जे उहदा विश्वास पात्र बन जे उह इस नालों दुगणा देंदा भी इन्नी दात पा के नहीं इह मैनूं मेरे तों दूर होया इहने सेवा सिमरन नहीं छड्डी इहनूं होर देणा चाहीदा इहने सार जाणी इस करके भाई इथों ही सारे राज भाग सेवा सिमरन चो निकलते ने जिहड़ी आपां सेवा गुरु घर दी आरंभ कीती इक तप है बाणी च लिखिया गुर की सेवा तपा सिर तप सार ये भी एक तप है आपां गर्मी च करदे ना सेवा वीर बजुर्ग ये तप ही कर रहे हो तुसीं तप तो घट नहीं सी खुशामदी नहीं कर रहे गुरु महाराज दे देणदार आ सत्संग जी खुशामदी नहीं है बाणी दी विचार है गुर की सेवा तपा सिर तप सार कलयुग दे विच भागां वाले सारिआं नूं डेरा निवासी जिन्ने भी माई भाई कोई दस मिनट अद्धा घंटा जरूर कढ़िया करो भाई आ दो दिनां दी होर सेवा रहेगी इहनूं कोई चुरा नहीं सकदा नाम नूं कोई चुरा नहीं सकदा माणक मोती नाम प्रभु नूं लगे ना ही सन रंग सबे नारायण ने जेते मन भावन आ जिन्ने रंग देख रहे हैं छोटे वड्डे जो भी दुनिया के रंग है सारे रब दे ने जिन्ने मन नूं पाउंदे ने इह सारे रब दे ने जिहड़े रब दे रंग विच रंगे गए जेते मन पावन उह रब नूं पा गए इह भी अर्थ ने जिहड़े रब दे रंग विच नाम विच सेवा विच रंगे गए मन पावन उह पा गए रब नूं चंगे लग गए कृपा हो गई सत्संग जी जिन्ने रंग ने रब दे जो भी वेख रहे हैं ये सारे रब दे एक पंक्ति दे कई कई अर्थ ने जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन पहले अर्थ जो वाहिगुरु चाहे जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान जिवें भावे उवें दुनिया नूं चला सकदा वो किसी की सलाह नहीं लैंदा ये भी बाणी च शब्द आए ने किसी की नहीं सलाह लैंदा मन मर्जी जो चाहता जो पाउंदा उवें करदा जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन सत्संग जी जिहड़े हरि परमात्मा नूं चाहुंदे ने सो करे वो अपने कर ले वाहिगुरु दूजे अर्थ ते अगे प्रेरित कीता सोई जी करन उन्हां जीआं नूं रब नाल जोड़ दिता आप जपे अवरै नाम जपावे सोई जी करन देखो अर्थ रब बाणी दे सच्चे पातशाह दी किन्नी अगाध बोध बाणी जो हर लोड़े जिस लोड़ वास्ते तू रब नूं च तीसरे अर्थ याद करदा है लोड़ पूर्ति वास्ते पदार्थ वास्ते सो करे ओही मिल जाणा तैनूं सच्चे पातशाह दी बाणी जो हर लोड़े सो साध संग जी जिस पदार्थ वास्ते मुरादा वास्ते इच्छा वास्ते तू रब नूं आराधन करदा है चिंतन करदा है वो कर दिंदा सो करे वो ही कर दिंदा जो प्रभ कीते अपने सही कही है तन हुण अपने किहड़े जिहड़े नाम जपना सेवा करनी सिमरन करन ये उहदे अपणियां दी गिणती विच ने
ਤੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਧਨ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਾਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇ ਹੱਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਾਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ ਆਪਣ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਯੋਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਨਨ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈ ਦਮਨ ਕਰ ਲੈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਲੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਧਨੀ ਜਿਸ ਕੈ ਭਾਗ ਮਥਨ ਆ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗੀਲਾ ਸੋਭ ਨੇਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।